उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से बड़ी खबर सामने आई है। यहां अज्ञात बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए इटावा जेल के डिप्टी जेलर पर फायरिंग कर दी। डिप्टी जेलर सैयद एसएच जाफरी के जेल परिसर में बने आवास पर रात 2:30 बजे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। फायरिंग के निशान पर दीवारों पर साफ साफ देख सकते हैं। लगभग 3 राउंड बदमाशों ने फायरिंग की। फिलहाल इस फायरिंग की घटना में डिप्टी जेलर एसएच जाफरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी जेलर के आवास पर हमले की सूचना पर पुलिस टीम एक्टिव हो गई। देर रात में ही घटनास्थल पर पहुंच गई पुलिस, अपनी जांच शुरू कर दी। डिप्टी जेलर सैयद जाफरी का पूरा परिवार दहशत में है। इससे पहले भी डिप्टी जेलर जाफरी के ऊपर 2019 में हमला हो चुका। पूरा घटना क्षेत्र सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आता है, इस कारण भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल की जांच में लग गया। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश में है। पुलिस जेल के अंदर बंद अपराधियों पर कड़ी नजर गड़ाए है। फिलहाल इटावा पुलिस ने 3-4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर डिप्टी जेलर की किससे दुश्मनी है। इटावा जनपद के जिला जेल के आवासीय परिसर में डिप्टी जेलर सिफ्ती हसन जाफरी द्वारा भोर में 3 बजे सूचना दी गई कि उनके घर पे 3-4 लोगों ने फायरिंग की है। इस संबंध में तत्काल फोर्स पहुंची, उनके दरवाजे पर 3 राउंड फायर के निशान भी दिखे हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अपराधी रहे हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है, उस संबंध में लगातार 4 टीमें बना करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास। रिपोर्ट तेजस खबर।